तुम्हें जवाब आज ही मिल जाएगा। दोपहर को मुझे यहाँ सी बीच होटल वहाँ मिलो। कल है ना सिमरन का बर्थडे, इस बार ना उसके बर्थडे पर कुछ स्पेशल करो। इतने थोड़े दिनों के लिए आए थे और अब जा भी रहे हो। मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। मुझे आज और अभी से मतलब, आपका अभिमन्यु अभी की बात जानना चाहता है। एक काम करें, ये मैं आपके बाल में लगा दूं। नहीं, आप उसे शादी करेंगे? Will you marry me? तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? 10 साल। आप कल 34 के हो जाएंगे और मैं 24 का हूँ। फर्क भी समझते हो? देखिए, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मुझे मैच करती चीजें बिल्कुल पसंद है, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो रंग हो, लुक। मुझे कॉन्ट्रास्ट पसंद है, सिमेट्री मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये नाप तोल के जितना इस तरफ रखा है उतना ही इस तरफ होना चाहिए। नो सॉरी, जो आपके लिए टेढ़ा है वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। दुनिया की सच्चाई कुछ और है। कम ऑन समझो जी, दुनिया की सच्चाई ये है कि औरत मर्द से कमतर कमजोर है। आप मानते हो इसे? हाँ, आई एम अ फेमिनिस्ट टू द कोर, टू द टी। आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे डोमिनेट कर सकती हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए, मैं आपके 34 साल के एक्सपीरियंस का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। हाँ, आप मुझे जो है लाड़ प्यार से रखेंगी, मैं हमेशा आपसे छोटा बना रहूंगा, फायदा तो मेरा ही है। आप जैसा अच्छा इंसान, आप जैसी खूबसूरत लड़की अगर किसी की बीवी हो तो उसका तो फायदा ही फायदा है। फॉर एग्जाम्पल सी, हम लोग ये खाना खाने वाले, इसका बिल आप पे करेंगे, अब बताइए किसका फायदा है? आप मेरे बारे में सोच रही हैं या इस बिल के बारे में सोच रही हैं? मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि मैं इस मसाला पापड़ की एक बाइट ले सकूं। सॉरी, मैं जिंदगी में सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, मसाला पापड़ शेयर नहीं कर सकता। एक शब्द, अगर आप मेरी हमसफर बन जाए तो। तुम्हारे हिसाब से जितनी आसानी से तुमने कह दिया है कि हमारी शादी में प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ये सब इतना आसान नहीं लगता। देखो, तुम अपनी उम्र में ये गलती कर सकते हो, मगर अपनी उम्र में मैं ये गलती करना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। चलिए, मैं अपनी बात करता हूं। और आप किसी से तो शादी करेंगे ना? आप शादी तो करना चाहती हैं? या। ठीक है, तो जहां तक रही बात मुझसे शादी करने की, तो आपको एक बात बता दूं, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूं। मैंने तय किया है कि मैं अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूं और इसीलिए मैं सीधे आपसे शादी की बात कर रहा हूं। किस बात का डर है आपको? मेरे परिवार वाले ऐसे बेमेल रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे अभिमन्यु, और ये शादी मैं उनके परमिशन के बिना, उनकी मर्जी के बिना भी नहीं करना चाहती। बहुत दुख पहुंचेगा उन्हें, आज तक वो परेशान थे क्योंकि मैंने शादी नहीं की। अब शादी करने के बाद उन्हें और परेशान करूं? नहीं। आपके घर वाले अगर आपको खुश देखेंगे तो ऑब्वियसली खुश ही होंगे, आफ्टर ऑल दे लव यू, डोंट दे? यही तो तुम समझ नहीं रहे। पापा को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, हमेशा एक ऊंचाई पर देखना चाहा उन्होंने मुझे। आज जब वो मुझे कामयाब डॉक्टर की तरह देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और उसी तरह मेरी शादी को लेकर भी बहुत उम्मीदें हैं उनके दिल में। और मेरा कोई ऊंचा घराना भी नहीं है, एक मामूली सा स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर हूँ जिसके करियर को कुछ पता नहीं, और आप एक IAS घराने की एक सक्सेसफुल डॉक्टर। बात सही है, और अगर इस बात पे आप मुझसे शादी करने के लिए मना करती है तो मैं कोई बहस नहीं करूंगा, मैं आपका डिसीजन मान लूंगा। प्लीज अभिमन्यु, मेरे लिए ये फर्क वाली बात उतनी बेमानी है जितनी तुम्हारे लिए हमारी उम्र का फर्क। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी माँ और पापा को लोग ताने मारे, या फिर मेरी बहनों के ससुराल वाले
उन्हें कुछ सुनाएं, बेइज्जत करें। मेरी डिसीजंस का असर किसी और पर नहीं पड़ना चाहिए। पर आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं आपके परिवार वालों को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक दिन वो आपके डिसीजन पे नाज करेंगे। और आप भी ये इधर उधर के लोगों की बात ज्यादा कर रही हैं। मैं सबसे अलग तो नहीं हूं, मुझे भी सोचने का वक्त चाहिए। आप जवाब देने से डरती हैं। जवाब आपकी आंखों में, आपके होठों पर है, लेकिन आप... लेकिन प्लीज अभिमन्यु, मैं जवाब अपने दिमाग और दिल से देना चाहती हूँ। सर, थैंक यू। आप एक काम करिए, आप जवाब दिल से नहीं बिल से दीजिए। अगर बिल मैंने पे किया तो हाँ, और अगर बिल आपने पे किया तो ना। You pay the bill. No, sorry, I'm so sorry about this. All yours. Oh God, I don't believe it. I don't believe that. Abhimanyu. No. I'm so sorry. ये lunch मेरी तरफ से था। Bill तुम्हें देना पड़ा क्योंकि मैं गलती से अपना पर्स गाड़ी में भूल आई। बाहर जाते ही तुम्हें पैसे दे दूंगी। What? मुझे देर हो रही है, चलें हम। भेजा था, मैं बाहर जा रही हूँ। मैसेज मिला था मुझे, लेकिन मुझे लगा देर से ही सही साथ खा लेते। मैं खाना खा कर आ रही हूँ, सो सॉरी। ओह, अकेली चली गई? बता दूँ, आज मैं स्पेशल लंच करके आ रही हूँ। वो रश्मि? नहीं, हाँ रश्मि के साथ। हाँ लो, रश्मि के साथ गई, उसमें कौन सा स्पेशल लंच हो गया तुम्हारा? छुपा रही हो तुम बात, कुछ और है? क्यों, क्या कहना चाहते हो तुम? अरे यार, तुमसे सवाल क्या पूछा, तुम बुरा मान गए? नहीं, इनफैक्ट अच्छा लगता है, कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। अरे कुछ बात है, तुम बदली बदली सी लग रही हो। रियली? अच्छे के लिए या बुरे के लिए? अब खुश हो तो अच्छे के लिए ही होगा। चलो लंच कर लो, मेरे लिए इंतजार किया और खाना भी नहीं खाया। मैं खाऊंगी नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ बैठूंगी, वरना टोकोगे मुझे। चलो। कर सकता था, छू सकता न था, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। आपके कमरे का माहौल तो कुछ अलग ही लग रहा है आज। क्यों? नहीं नहीं, वो आज एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट गई थी तो मैंने वहाँ किसी को देखा आपके साथ। नहीं नहीं, मैंने बातें नहीं सुनी, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा था। राहुल भी था तेरे साथ? नहीं नहीं, वो बाहर था कैब में, और मैं अंदर ये देखने आई थी कि जगह है या नहीं, तो मैंने उसे देखा। He loves me.
और आप? पता नहीं, वो सिर्फ 24 साल का है। हाँ, वो दिखने में थोड़ा यंग लग रहा था, लेकिन इतना छोटा है। बता तो रही हूँ, 10 साल छोटा है मुझसे। But दीदी, do you love him? मुझे सोचने का वक्त चाहिए। बिल्कुल नहीं दीदी, प्यार कोई सोच सोच के करता है। आप इतनी खुश हैं, यही इस बात का इंडिकेशन है that you love him। वैसे दीदी, आपके उनका नाम क्या है? कोई उनका वंका नहीं है वो। अभी नाम है उसका अभिमन्यु। आनंदी मेरी जो पेशेंट थी, उसका भाई है अभिमन्यु। दीदी, ये वही पेशेंट है ना जिसके ऑपरेशन की वजह से आप मेरी शादी में नहीं आई थी? अच्छा, तो ऑपरेशन के बहाने ये सब चल रहा था? पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उसे अपने आगे फटकने भी नहीं देती हूँ। जानती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब उस लड़के की सिर्फ ग्रेजुएशन है। उसे मैं एक अच्छी डॉक्टर लगी, इसलिए शायद इस लड़की को वो प्यार समझ बैठा है। बिल्कुल नहीं दीदी, मैंने देखा आज उसे। He is really mad about you. दीदी, I'm so happy for you. दीदी, आप उनका दिल नहीं तोड़ना, प्लीज। आप उनसे प्यार करती है ना दीदी, अपने हाथ में आई इस खुशी को जाने नहीं देना। आपके घर वाले अगर आपको खुश देखेंगे तो ऑब्वियसली खुश ही होंगे। आफ्टर ऑल दे लव यू। दीदी, क्या हुआ? टाइम हो गया। किस चीज का? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट। दीदी, अभी तक सो रही हैं? रश्मि, नहीं नहीं, सिमरन दीदी का बर्थडे अब तक भूली नहीं हूँ मैं, अभी विश करती हूँ उसे। दीदी, विश बाद में करना, अभी मैं आपको ऐसी खबर सुनाती हूँ कि आपकी नींद उड़ जाएगी। क्या? दीदी, सिमरन दीदी इज इन लव। व्हाट? दीदी, आप सोच भी नहीं सकती है कि लड़का कौन है। आपको याद है मेरी शादी में दीदी एक इमरजेंसी केस में बिजी थी? उसी पेशेंट का भाई। और दीदी, असली बात तो ये है कि वो लड़का दीदी से 10 साल छोटा है। You know, he's only 24. What are you saying? You know, दीदी, he is so handsome. कल ही मैंने उन्हें दीदी के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। He is madly in love with her. तो फाइनली हमारी दीदी पर किसी ने डोरे डाल दी। वो उससे इतना छोटा है? अच्छा रश्मि, एक बात बता, क्या सिमरन दीदी ने तुझसे खुद कहा कि वो उससे प्यार करती है? ओ दीदी, आप सिमरन दीदी को मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सब बता दिया है। दीदी बहुत नाराज हो जाएंगी, और घर पर भी किसी को पता नहीं है। अभी तो मिली है वो उनसे। ठीक है, वो तो एक्साइटमेंट में मुझसे रहा नहीं गया, इसके लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी। लेकिन दीदी, आप किसी को मत बताइएगा, ओके? मैं रखती हूँ अभी, बाय बाय। Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. Doctor Meena, thank you very much. Doctor, ये सब फूल बाहर रखवा दूँ? नहीं बाबा, इन्हें मेरे कैबिन में भिजवा दो। और जब अभिमन्यु आएंगे, उनसे कहना मेरे कैबिन में आके मुझसे मिलें। Thank you. Thank you very much. Thanks everyone. Thank you. ये कहाँ फेंकना? उनके कैबिन में जाइए, डॉक्टर सिमरन ने आपको अपनी कैबिन में बुलाया है। थैंक्स अ लॉट। हैप्पी बर्थडे।
the loveliest woman on this earth. Thanks. तुम जानते हो मुझे पीले फूल जरा भी पसंद नहीं है। Oh no. नहीं, मेरे दोस्त कॉलेज में चढ़ाने के लिए मुझे पीले फूल ही भेजा करते थे। I'm really sorry. I'm so sorry. मैं कभी आपको पीले फूल नहीं दूंगा आगे से। लेकिन आप मुझे पसंद आने लगे हैं। जब से तुमने पूरा अस्पताल इनसे भर दिया। आप डॉक्टर गलती से बन गए हैं। I'm sure आप मेरी तरह एक आर्टिस्ट हैं। नहीं, मैं डॉक्टर के अलावा और कुछ नहीं बन सकती। No. आपको इन अस्पताल की दीवारों से बाहर निकाल कर मैं बताऊंगा कि आप असल में क्या है। मैं आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। आप, मैं, मेरा कैमरा, बस हम छोटे छोटे गांव में जाकर देखेंगे कि जिंदगी कैसे चल जाती है। इजिप्ट में औरतें कैसे रहती हैं, ब्राजील में बच्चे कैसे खेलते हैं, थाईलैंड में कैसे खाना बनता है। आप चलेंगे मेरे साथ? पहले कभी किसी ने ऐसे पूछा ही नहीं। आप मुझे करीब आने का मौका तो दीजिए। आप नाराज तो नहीं है ना इस बात से? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा महसूस कर रही हूँ। लेकिन डरती हूँ कहीं मेरा बचपना तो नहीं यहाँ फिर तुम्हारा असर तो नहीं हो गया। शायद आप पहली बार अपने दिल की बात सुन रही हैं। Do you love me? शादी के बाद माँ बाप के सामने कहने की हिम्मत कर पाऊंगी या नहीं? वो हिम्मत मैं आपको दिलाऊंगा। अरे भाई पद्मा, सिमरन, बहुत टाइम लगा रही हो तुम लोग। वो रश्मि और राहुल इंतजार कर रहे होंगे रेस्टोरेंट में। औरतें भी तैयार होने में, आई टेल यू। हो गया है? अरे सिमरन का बर्थडे है आज, शादी नहीं। इस तरह चलोगी तो लोगों को शक हो जाएगा। इस तरह तैयार होने का मौका शायद ही मिले आज के बाद। क्यों जी, कभी कभी तो हमारे लिए भी सच संवर सकती हो तुम, है ना? Oh my, my, look at this. You're looking beautiful. She's looking gorgeous. Yeah. मैं देखती हूँ। सुनो, कैमरा ले लेना, फोटो शोटो खींचेंगे वहां पे। अरे तुम? नमस्ते। नमस्ते। आज तो डॉक्टर सिमरन होंगे घर पे। हाँ है, आओ। देखो कौन आया। अरे अरे तुम बैठो बैठो, तुम बहुत अच्छे मौके पे आए हो। आज सिमरन का जन्मदिन है, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। बैठो। Many, many happy returns of the day. Thanks. Better? तो किसी काम से आए? जी, मैं आपसे बात करने आया था। बोलो। Last time जब आपके घर आया था तो कुछ देने के लिए आया था, लेकिन आज मैं कुछ लेने के लिए आया हूँ। क्या? जी मैं सिमरन जी से शादी करना चाहता हूँ।